जोधपुर में जामवाणी साहित्य अकादमी एवं जम्बेश्वर शोधपीठ की ओर से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई जा रही है। प्रदर्शनी में वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण प्रदूषण के कारणों से लोगों को रूबरू कर जागरूक किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद खमुराम विश्नोई ने बताया कि पर्यावरण सेवक निस्वार्थ भाव से जोधपुर सहित देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का संदेश दे रहे हैं। जो यहाँ आप प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, इस प्रदर्शनी में पूर्ण रूप से मनुष्य को जागृत करने के लिए कहा है कि मनुष्य धरती का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जीव है। तो हमने सभी लोगों को जो प्रकृति के साथ में अन्याय हो रहा है, जो प्रकृति का अत्यधिक दोहन हो रहा है, तो पेड़ पौधे लगाने के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने के लिए, जो परंपरागत लोटे पानी के, तांबे के लोटे, उनका उपयोग करने के लिए और आम जनता को रियलाइज कराने के लिए हमने प्रदर्शनी लगाई है। इसमें पूर्ण रूप से सभी चीज़ समाहित है जो एक मनुष्य होने के नाते हमें करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमने जो एग्जीबिशन लगाई है पर्यावरण की, कौशिक पर्यावरण सेवक टीम हमारी टीम का नाम है, जिसके इंचार्ज जिन्होंने जीरो से यानी शुरू किया था वो हमारे टीम लीडर हैं खमुराम जी विश्नोई भाई साहब, जो पिछले 20 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और उनका मेन मोटिव और एक ही उद्देश्य है कि पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए। उसके लिए उनकी अलग अलग मुहिम है, जैसे पौधे लगाना, तांबे के लोटे से पानी पिलाना, ताकि ये धरती माँ प्लास्टिक मुक्त हो, प्रदूषण मुक्त हो और जो भारत है एक स्वच्छ भारत बने।